हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास 12th बायोलॉजी ग्रुप्स। आज हम लोग अब स्टडी करेंगे बायोलॉजी में यूनिट्स जेनेटिक्स, जेनेटिक्स एंड स्टडी करेंगे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशंस का, जिसमें जेनेटिक्स दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, जेनेटिक्स दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। और इसके इंक्लूडिंग हम चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 5th है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। और चैप्टर नंबर 6 देखेंगे हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और इसके बाद आपका चैप्टर आता है लास्ट चैप्टर इवोल्यूशंस, यह इवोल्यूशंस। तो इस तरह से हम इस चैप्टर का स्टडी करेंगे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में। तो जो न्यू हमारा यह यूनिट्स है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। और इसमें सबसे पहले हम कुछ आपको यहाँ कुछ बेसिक आइडिया देंगे, जो प्री क्लास में आप जेनेटिक्स से, जेनेटिक्स रिलेटेड पॉइंट को आप पढ़ चुके हैं। तो जेनेटिक्स में हम लोग क्या देख, तो जेनेटिक्स की जब बात आती है तो इसमें सबसे पहले आता है जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं मेंडल का, मेंडल, द वर्क ऑफ मेंडल्स एंड अदर हु फॉलोड हिम गिव एन ऑन द आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न। इनहेरिटेंस पैटर्न का जो सबसे पहले नॉलेज दिए वो मेंडल्स, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स का नेम देते हैं। तो इन्होंने बताया कि नेचर में फैक्टर्स होते हैं फैक्टर, और ये फैक्टर जो डिटरमिन करते हैं, वे डिटरमिन्स द फिनोटाइप वाज नॉट क्लियर, जो फिनोटाइप होते हैं वो क्लियरिटी नहीं होता है। और फैक्टर रिप्रेजेंट्स द जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और ये फैक्टर हमारे जो है जेनेटिक्स बेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग्स द स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड द स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स, ये जो है जीनोटाइप। तो मेंडल्स ने ऐसे जो बेसिक जो मैंने वन पेरेंट के कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं तो उसको मेंडल्स एक फैक्टर नेम दिए थे, लेकिन उसके बाद ये कन्फर्म हुआ कि नहीं, हमारे कुछ स्ट्रक्चरल जेनेटिक मटेरियल होते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल जेनेटिक मटेरियल जो हमारे जीनोटाइप और फिनोटाइप को क्लियर करते हैं, स्ट्रक्चरल जेनेटिक मटेरियल जो हम लोग कहते हैं, नेम जानते हैं डीएनए, डीएनए, डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए जिसे हम लोग जो है सबसे पहले यह डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के पॉज सेल, जो डब्ल्यूबीसी है तो डब्ल्यूबीसी में जो न्यूक्लिएटेड होते हैं तो उसके पॉज सेल से यह न्यूक्लिक एसिड ऑब्जर्व किया गया था। और इस न्यूक्लिक एसिड में देखा गया कि इससे करेक्टर जो है एसिडिक था और न्यूक्लियस ऑब्टेन हुआ था, इसलिए उसको न्यूक्लिक एसिड नेम दिए थे न्यूक्लिक एसिड। और इसी न्यूक्लिक एसिड में देखा गया, जब उसका केमिकल कंपोजिशन दिया गया, देखा गया तो उसमें एक थ्री डी स्ट्रैंड की तरह मिलता गया और जिसे डीएनए नाम दिया गया। और डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, डीएनए के स्ट्रक्चर को साइंटिस्ट जो जिसे हम जानते हैं वाटसन, जे डी वाटसन, वाटसन एंड क्रिक, तो जे डी वाटसन और क्रिक जो है डीएनए का डबल स्ट्रक्चर मॉडल दिए। इसके बाद नीरेनबर्ग, खुराना, कॉर्नबर्ग, जिसे हम कहते हैं कि फादर्स एंड सन्स बेंजर, एंड अदर साइंटिस्ट, जिसे अदर साइंटिस्ट ने मैकेनिज्म दिया कि किस तरह से ये हमारा जो है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है और इसमें किस तरह से जो है स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन होते हैं, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी आता है, और किस तरह से इसमें जो है मैंने इसमें मालिकुलर्स, मालिकुल्स बनते हैं, और ये मालिकुल्स में ये जो है डीएनए का फंक्शन कैसा होता है, डीएनए कैसे वर्क करता है। तो इन सभी
से रिलेटेड जितने भी जीन से, डीएनए से, जेनेटिक मटेरियल से, ये सब रिलेटेड जो टर्म है, वर्ड्स हैं, इसके जो मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, तो उन सभी को हम इसी यूनिट्स में, जो ये यूनिट्स है इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम आते हैं अपने जो चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर, जो ये चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर फिफ्थ, प्रिंसिपल्स 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 ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो इस चैप्टर में हम आते हैं और इस चैप्टर में हम लोगों को स्टडी जो स्टडी करना है, इस चैप्टर में जो हम लोग स्टडी करेंगे, इसमें पॉइंट फर्स्ट है जो हम लोग दिखा रहे हैं, पॉइंट फर्स्ट मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हम लोग मेंडल्स लॉ को पढ़ेंगे। मेंडल जो आप लोग पहले नाम सुने हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिन्होंने जो है कि जेनेटिक्स का जो फाउंडेशन दिया, और मेंडल्स की हिस्ट्री भी आप जानते हैं कि इन्होंने गार्डन पी पे वर्क किया, और गार्डन पी पे वर्क करके उसमें डिफरेंट ला दिए जो कि इनका इम्पोर्टेंट है। तो जो ये मेंडल्स ला पढ़ेंगे कि मेंडल्स ला क्या है, मेंडल्स ला आया कैसे, मेंडल ने कैसे इस पे वर्क किया, और मेंडल्स ने इसमें क्या क्या जो है, मैं इस तरह से जनरेशन जनरेशन कैसे ट्रेट फैक्टर्स जो है यह अपियर्ड होते हैं, इसमें हम इसमें मेंडल्स ला में हम स्टडी करेंगे। और इसमें हमें देखना है कुछ इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन्स, और इसमें इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स को भी स्टडी करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे सेल्फ डिटर्मिनेशन। इस चैप्टर में सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन मीन्स है कि हम लोग कैसे डिटर्मिन करेंगे। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मीन्स है कि हम लोग कैसे डिटर्मिन करेंगे कि द चाइल्ड इज मेल आर फीमेल्स, ये जो चाइल्ड है, ऑफ स्प्रिंग है, वो मेल फीमेल है, हम कैसे इसको डिटर्मिन करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन के साथ हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे म्यूटेशंस म्यूटेशंस एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें हम जेनेटिक डिसऑर्डर को भी देखेंगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे होता है, व्हाट इज जेनेटिक डिसऑर्डर, इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, कैसे जीन में अगर चेंजेज हो गया, नंबर ऑफ जीन्स चेंज है तो किस तरह से उसमें चेंजेज आएगा, और किस तरह से उसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर में जैसे नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इनक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, तो उसमें क्या चेंजेज आएंगे, और ये नंबर ऑफ क्रोमोजोम इंक्रीज डिक्रीज क्यों होते हैं, इन सभी का स्टडी हम लोग करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर में, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स और यह, तो इस तरह से इस चैप्टर में हम जो इम्पॉर्टेंट फोकस करने वाले पॉइंट्स हैं, जिसे हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं कि वो हमारे मेंडसला, जो मेंडसला है, और उसके बाद इनहेरिटेंस है, इसके बाद आपका इनहेरिटेंस वेरिएशंस है, सेक डिटर्मिनेशंस है, म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, इन सभी की स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। तो चलिए हम लोग इसमें थोड़ा देखते हैं, यह मेंडल्स लॉ, मेंडल्स लॉ क्या है, मेंडल्स कैसे वर्क किए, और मेंडल्स लॉ कैसे ऑब्टेन हुआ। तो इसमें कुछ पॉइंट यहाँ दिया गया है, जैसे कि हैव यूर वंडर स्टंड व्हाई एन एलिफेंट्स ऑलवेज गिव्स बर्थ ओनली टू ए बेबी एलिफेंट एंड नॉट सम अदर एनिमल्स, आर हुआई ए मैंगो सीड फार्म ओनली ए मैंगो प्लांट एंड नॉट एनी अदर प्लांट्स। जैसे इसमें दिखाया गया कि एलिफेंट एलिफेंट को ही बर्थ करेगा, और मैंगो प्लांट को ही बर्थ करेगा, किसी अदर प्लांट को नहीं, इसके क्या रीजन्स हैं। गिवेन दैट दे डू आर द ऑफ स्प्रिंग आइडेंटिकल्स टू दियर पेरेंट्स, तो जो ये बर्थ है, जो ऑफ स्प्रिंग है, वह अपने पेरेंट के आइडेंटिकल्स होते हैं या नहीं होते हैं। आर डू दे शो डिफरेंस इन सम ऑफ दियर करेक्टर्स, या वो अपने करेक्टर में डिफरेंस होते हैं। हैव यू इवेन अंडरस्टैंड वाई सिबलिंग्स
समटाइम्स लुक सो सिमिलर टू ईच अदर्स, ये सभी जो है सिमिलर दिखाई देते हैं, आर समटाइम्स इवन सो डिफरेंस, और कभी कभी ये डिफरेंस भी दिखाई देते हैं। इसमें ऐसा क्या रीजन है? दीज आर सेवरल रिलेटेड क्वेश्चंस आर डील्स विद साइंटिफिकली, ये सभी जो रीजन्स है इसको साइंटिफिकली हम डील करेंगे इन ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इस बायोलॉजी के ब्रांच में नोन एज जेनेटिक्स, और इस ब्रांच को हम जेनेटिक्स कहेंगे। दिस सब्जेक्ट डील विद द इनहेरिटेंस एज एज द वेरिएशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग्स, इसमें जो करेक्टर्स हैं पेरेंट्स के ऑफ स्प्रिंग्स से उसमें वेरिएशंस हैं, इसको भी हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे। टू फॉर्म पेरेंट्स टू प्रोजिनी एज बेसिस ऑफ हेरिटी वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजिनी डिफर फ्रॉम दियर पेरेंट्स, तो वेरिएशन एक डिग्री है ये प्रोजिनी का जो अपने पेरेंट्स से डिफर होता है। ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 टू 10000 बीसी 1000 बीसी दैट वन ऑफ द काजेस ऑफ वेरिएशन वाज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये वेरिएशन जो होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिडन होते हैं, छिपे होते हैं, और उसी के थ्रू जो है वेरिएशन दिखाई देता है। तो कभी कभी इसमें ये क्वेश्चन आता है कि क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विच इज बेटर, तो इसमें आप यह जानिए कि सेक्सुअल प्रोडक्शन जो होता है यह ए सेक्सुअल से बेटर होता है, क्योंकि सेक्सुअल में वेरिएशन होते हैं और यह वेरिएशन जो होते हैं ये इन्वायरमेंटल जो हमारा यह इम्यून सिस्टम है या ये हमारा जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसी के थ्रू ये चेंज होते हैं, और चेंज होना भी बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि इन्वायरमेंट के थ्रू अगर हम लोग जो है इन्वायरमेंट की तरह हम लोग चेंज नहीं होंगे, जैसा इन्वायरमेंट से वैसा चेंज नहीं आएगा तो सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होता है। सो पेरेंट्स इन द वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सो सेलेक्टिवली ब्रीड एंड सेलेक्ट फॉर ऑर्गेनिज्म दैट पॉसेस डिजायरेबल करेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्टर्स, तो इस तरह से जो आर्टिफिशियल डोमेस्टिक हमारे जो है कि सिलेक्शन है, तो ये डोमेस्टिक और आर्टिफिशियल दो तरह से सिलेक्शन करते हैं एंसेस्टर्स के, और उस तरह से हम लोग उसमें वेरिएशन जो है ये देखते हैं कि वेरिएशन किस तरह से उसमें ऑप्टेन होता है। तो इसमें हम लोग थोड़ा देख रहे हैं कि वाइल्ड काऊ बी है वेल नोन इंडियन ब्रीड, जो वाइल्ड काऊ है बी है वेल नोन इंडियन ब्रीड्स, तो जो मैंने इंडियन ब्रीड्स हैं जैसे हम देखते हैं साहिवाल काऊ इन पंजाब्स, बी मस्ट हाइवर रिकोगनाइज दैट दो आवर एंसेस्टर न्यू अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स एंड वेरिएशंस, तो जो इनके एंसेस्टर्स हैं ये इस करेक्टर वेरिएशंस को समझते हैं और इनके करेक्टर वेरिएशन किस तरह चेंज होते हैं। दे हैड वेरी लिटिल आइडिया, उनके पास जो हमारे एंसेस्टर थे उनके पास इसका बहुत लिटिल आइडिया था अबाउट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दीज फिनमिना, और ये जो वेरिएशन होते हैं जिससे जो ब्रीडिंग काऊ की बात हम किए जिसे साहिवाल की, तो इसमें तो फार्मेशन हुआ पंजाब में साहिवाल काऊ का जो है न्यू ब्रीड फार्मेशन हुआ जो इंडियन वेराइटी है, तो हमारे एंसेस्टर जैसे इसमें दिया गया है कि दे हैड वेरी लिटिल आइडिया, तो ऐसे हमारे एंसेस्टर के पास इसका जो है लिटिल आइडिया था अबाउट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दिस फिनोमेना, इसके जो है इस फिनोमेना के जो है मैंने चेंजेज में, तो इसको इन सभी वेरिएशंस को हम लोग जो है स्टडी करेंगे मेंडल्स ला, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मेंडल्स एंड मेंडल ला को क्लियर करेंगे कि मेंडल्स ने अपना ला कैसे दिया। इस चैप्टर पॉइंट्स में स्टूडेंट्स जो आपको बताया गया दैट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और उसी से रिलेटेड हम लोग स्टडी करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे यह मेंडल्स ला को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स।